Hello everyone. Today we will start computer networks. Okay. What is computer network? ठीक है, तो आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो टॉपिक स्टार्ट करें. ठीक है, नेटवर्किंग मीन्स क्या होता है? व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्क मीन्स कनेक्शन. ओके, जब आप जैसे सपोज देयर आर थ्री सिस्टम, थ्री कंप्यूटर्स, इफ यू वांट टू शेयर फ्रॉम दिस कंप्यूटर, इफ यू वांट टू शेयर डेटा फ्रॉम दिस कंप्यूटर टू दिस कंप्यूटर, दिस इज कंप्यूटर नंबर वन, दिस इज कंप्यूटर नंबर टू एंड दिस इज कंप्यूटर नंबर थ्री. तो इफ यू वांट टू शेयर द डेटा बिटवीन दीज थ्री सिस्टम देन यू हैव टू यूज नेटवर्किंग. ओके, नेटवर्किंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस थ्री सिस्टम से डेटा को इजीली शेयर कर सकते हो. ओके, नेटवर्किंग रेफर्स टू द इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस टू शेयर देयर रिसोर्सेस. ओके, रिसोर्सेस मीन्स एक्स्ट्रा रिसोर्स. सपोज सिस्टम वन हैव अ प्रिंटर बट सिस्टम टू एंड सिस्टम थ्री हैवन. सो नेटवर्किंग जो होता है कैन शेयर देयर रिसोर्सेज ऑल्सो. मीन्स इफ सिस्टम वन मीन्स कंप्यूटर वन हैव अ प्रिंटर डिवाइस देन सिस्टम टू एंड सिस्टम थ्री विल एक्सेस दैट प्रिंटर वाया नेटवर्किंग. अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस. ओके, नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिवाइसेस होता है. ठीक है, कनेक्टेड टू वन अनदर अलाउइंग द एक्सचेंज ऑफ डेटा विथ ईच अदर. मीन्स नेटवर्किंग के थ्रू क्या कर सकते हैं आप? कनेक्शन कर सकते हैं मोर देन वन कंप्यूटर, यानी टू थ्री फोर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं. जैसे आप लोग के कंप्यूटर लैब में क्या है नेटवर्किंग कुछ सिस्टम्स में? ठीक है, तो उसमें क्या है कि सपोज थ्री टीचर्स आर वर्किंग इन डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम. तो इस डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में अगर मान लिया टीचर्स काम कर रहे हैं और अगर सिस्टम टू में जो टीचर बैठे हैं, ठीक है, उनको सिस्टम वन में से डेटा चाहिए, तो शी कैन इजीली एक्सेस थ्रू अ नेटवर्क. केबल नेटवर्क, टेलीविजन नेटवर्क एंड टेलीफोन नेटवर्क आर द एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क. ओके, तो केबल नेटवर्क, टेलीविजन नेटवर्क आर द एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क. तो अब हम लोग को फिलहाल यहाँ पे क्या करना है? कंप्यूटर नेटवर्किंग करना है. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस. तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस, कलेक्टिवली नोन एज नेटवर्क कॉम्पोनेंट. पेरिफेरल डिवाइसेस मीन्स क्या हो गया? प्रिंटर. ठीक है, प्रिंटर पेरिफेरल डिवाइसेस में आता है. फिर और भी आप एक्स्ट्रा में डिवाइसेस, स्कैनर ले सकते हो, दैट इज आल्सो पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड बाय द कम्युनिकेशन लिंक्स. इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ कंप्यूटर नेटवर्क वी नीड एटलीस्ट टू और मोर देन टू कंप्यूटर. ठीक है, तो जब भी एस्टैब्लिश करना होगा कंप्यूटर नेटवर्क तो यू मस्ट हैव मोर देन टू और टू कंप्यूटर एट लीस्ट एंड सम अदर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर. ओके, दीज डिवाइसेस आर इंटर कनेक्टेड यूजिंग अ कम्युनिकेशन मीडियम सच एज वायर. तो ये जो डिवाइसेस है वो इंटर कनेक्ट किससे होते हैं? वायर के थ्रू, केबल होता है जिससे वो कनेक्ट होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. ओके, डेटा कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से कॉम्पोनेंट यूज करते हैं? कॉम्पोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, फर्स्ट इज मैसेज. ठीक है, तो ये जो मैसेज है डेटा कम्युनिकेशन कैसे है? जैसे सपोज आपके पास फोन है. ओके, आप फोन में क्या करते हो? फोन के थ्रू किसी को कम्युनिकेट करने के लिए आप कॉल करते हो, मैसेज करते हो, कॉल रिसीव करते हो, है ना? तो कंपोनेंट हुआ ना मैसेज भी है, किसके लिए? फॉर डेटा कम्युनिकेशन.
okay. Message is the data which can be exchanged between the sender and the receiver. ठीक है, मैसेज क्या है? डेटा विच कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, etc. ओके, जैसे व्हाट्सएप है हमारा, आजकल व्हाट्सएप पे क्लासेस हो रही है, तो जो भी मैसेज हम सेंड करते हैं वाया व्हाट्सएप, वो टेक्स्ट के थ्रू होता है ना. टीचर जब क्लास लेती है तो आपको टेक्स्ट करती है, कोई होमवर्क देती है तो टेक्स्ट करती है. सेकेंड इज ऑडियो, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग करती है. वीडियो, जो भी क्लासेस एक्सप्लेन करने होते हैं उसके लिए टीचर्स कभी कभी आपको वीडियो भी सेंड करती है, पिक्चर्स भी सेंड करती है फॉर द एक्सप्लेनेशन. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मैसेजेस. ओके, नेक्स्ट इज सेंडर. सेंडर मीन्स जो सेंड करता है. ओके, व्हाइल सेंडिंग अ डेटा और अ मैसेज देर मस्ट बी अ मशीन दैट कैन एक्ट एज अ सेंडर विच इज जनरली अ कंप्यूटर, मोबाइल फोन और नोड विच सेंड्स अ डेटा इन अ नेटवर्क. ओके, तो डेटा कम्युनिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है सेंडर. सेंडर मैसेज सेंड करेगा ही नहीं तो हाउ डेटा विल कम्युनिकेट, है ना. तो व्हाइल सेंडिंग अ डेटा और अ मैसेज, जब आप मैसेज डेटा को सेंड कर रहे हो, मैसेज सेंड कर रहे हो, देर मस्ट बी अ मशीन दैट कैन एक्ट एज अ सेंडर. कोई मशीन होना चाहिए जो सेंडर का रोल वहाँ पे कंट्रीब्यूट करे, विच इज जनरली अ कंप्यूटर. कंप्यूटर डेटा सेंड कर सकता है वाया मेल या व्हाट्सएप भी आप आजकल लैपटॉप से या सिस्टम से यूज कर सकते हो. मोबाइल फोन से भी हम टेक्स्ट मैसेज, फिर फेसबुक से मैसेज और व्हाट्सएप से मैसेज आप सेंड कर सकते हो. और अ नोड, नोड मीन्स नेटवर्किंग में जो मेन, जैसे सपोज फोर सिस्टम्स आर देयर, ठीक है, तो एक मेन नोड होता है जिससे, मेन सिस्टम होता है जिससे कनेक्टेड होता है. जैसे ये एक मेन नोड है, नोड मीन्स वो भी कंप्यूटर होता है, लेकिन जितना हार्ड डिस्क जो भी डेटा सेव करता है, जिस सिस्टम में सेव करता है, दैट इज कॉल्ड नोड, जिसके थ्रू डेटा आपका, जिसके थ्रू सारा एक्सेस हो रहा है, जिससे आपका पेरिफेरल, जैसे प्रिंटर, इससे आपका सपोज ये है, यहाँ पे कनेक्टेड है प्रिंटर भी, तो दिस इज नोड, और इस नोड के थ्रू सारा हमारा सिस्टम जो है वो कनेक्टेड है. तो सेंडर एक नोड भी हो सकता है, मेन नोड. ओके, नेक्स्ट इज रिसीवर. ऑब्वियसली रिसीवर इज सेंडर जो है वो सेंड किया मैसेज, तो इट मीन्स जहाँ पे हमारा मैसेज जा रहा है, लास्टली जो डेस्टिनेशन होगा, दैट इज कॉल्ड रिसीवर. टू रिसीव अ मैसेज सेंड बाय अ सेंडर, ठीक है, जो भी रिसीव मैसेज होता है जो सेंडर के द्वारा सेंड होता है, देर मस्ट बी अ रिसीवर. वहाँ पे रिसीवर mandatory है. Receiver is mandatory if anyone sending a data via network. It can be a computer, mobile, etc. Okay. Next is communication medium. What is communication medium? Communication means data communicate करने के लिए from sender to receiver. In between we will use communication medium. Okay, the set it sets a link between the sender and the receiver. ठीक है, sender और receiver के बीच में एक temporarily link set होता है. जैसे suppose आपने मेरे को WhatsApp से message किया, तो मैं, आपने send किया इसलिए you are sender, और मैं हूँ receiver, मैं हूँ destination के लिए, तो I am a receiver. तो उसके बीच में एक temporarily link बनता है, दैट इज कॉल्ड, सॉरी, एक लिंक सेट होगा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, एंड इट इज अ फिजिकल पाथ बाय विच द मैसेज ट्रैवल, जहां से मैसेज ट्रैवल करेगा, एक पाथ क्रिएट होगा उसके बीच में. इट कैन बी ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, रेडियो वेव, सैटेलाइट्स. ठीक है, तो नॉर्मली सिस्टम्स के बीच में अगर आपका कंप्यूटर है, ठीक है, मैंने क्या बताया था, एग्जांपल लिया था, सपोज यू हैव कंप्यूटर, ओके,
तो आपको क्या करना है, इस यहाँ पे क्या है, कनेक्शन है, आपको डेटा सेंड करना है यहाँ पे। तो आप यहाँ जब डेटा सेंड करोगे तो उसके बीच में ऑब्वियसली यहाँ पे केबल्स होंगे, फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर भी केबल का टाइप होता है, रेडियो वेव सैटेलाइट्स, ये सारा जब आप फोन के थ्रू या फिर सिस्टम वायर के थ्रू कनेक्टेड नहीं होता है। ओके, सपोज आप मेल सेंड कर रहे हो टू हैप्पी स्कूल, तो इसके बीच में कोई वायर तो नहीं है, ठीक है, तो वहां पे रेडियो वेव एंड सैटेलाइट विल यूज। ओके, चलो नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। प्रोटोकॉल रूल होता है, सेट ऑफ रूल होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्किंग मीडिया। वॉट इज नेटवर्किंग मीडिया? नेटवर्किंग मीडिया इज ऑल्सो नोन एज एंड ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, नेटवर्किंग मीडिया जो है वो ट्रांसमिशन मीडिया भी कहा जाता है, थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड, जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग मीडिया, वायर्ड मीडिया एंड नेक्स्ट इज वायरलेस मीडिया। जैसे इसके पहले मैंने बताया था कि सिस्टम्स कनेक्टेड है, उसके बीच में डेटा को सपोज आपको ट्रांसमिट करना है, देन वहाँ पे केबल्स लगे होते हैं डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, बट आप मेल सेंड कर रहे हो टू हैप्पी स्कूल, तो वो क्या हो गया, वायरलेस मीडिया हो गया। ओके, तो अभी फिलहाल वी विल स्टार्ट वायर्ड मीडिया। देर आर वायर्ड दैट कनेक्ट कंप्यूटर एंड रिसोर्सेज ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ वायर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर रिसोर्सेज मीन्स प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे डिवाइसेस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ केबल कैन बी यूज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ साइज ऑफ नेटवर्क। तो साइज वो नेटवर्क के साइज पे डिपेंड करता है कि नेटवर्क आपका कितना, मतलब उसमें कितने सारे सिस्टम्स है, उस पर डिपेंड करता है हैवी केबल लगाना है या उससे थोड़ा लाइट लगाना है। तो कुछ यहाँ पे वायर्ड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर यूज होता है, कोएक्सियल केबल यूज करता है, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड केबल आपने देखा होगा ट्विस्ट किया रहता है, टू वायर्स आर देयर एंड दे आर ट्विस्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, कोएक्सियल केबल होता है, कोएक्सियल केबल जिसमें दो वायर एक साथ होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर एक सिंगल केबल होता है और उसके अंदर फिर ये होता है, एक ब्लैक कलर का वायर होता है। नेक्स्ट इज वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीन्स देयर इज नो फिजिकल पाथ फॉर द सिंगल टू मूव सिग्नल्स टू मूव। वायरलेस कम्युनिकेशंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, तो वायरलेस मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज होता है रियल लाइफ में। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कितने टाइप का नेटवर्क्स होता है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पैन। पैन मींस होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। सपोज यू हैव अ लैपटॉप, तो आप अपने लैपटॉप के थ्रू सपोज आपने माउस को कनेक्ट किया है, कीबोर्ड कनेक्ट किया है, लाइट पैन पेन होता है उसको कनेक्ट कर दिया है आपने, है ना, पेन ड्राइव कनेक्ट किया है, तो वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क के विदिन आता है। अ पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क यूज फॉर कम्युनिकेशन अमंग वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज पर्सनल कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी। द एरिया ऑफ अ पैन इज टिपिकली अ फ्यू मीटर। बहुत कम एरिया में आप खुद अज्यूम करो ना, अगर आपका सिस्टम है तो उसमें केबल जितने बड़े होंगे बस उतना दूर ही वो आप उतने दूर से उसको एक्सेस कर पाओगे। सपोज इफ यू हैव अ कीबोर्ड और उसका वायर जो है वो 1 मीटर का है या 2 मीटर का है या 3 मीटर का है, तो उससे बाहर तो आप नहीं जाओगे ना। ठीक है, तो दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज लोकल एरिया नेटवर्क, शॉर्टकट में उसको हम लोग लैन भी बोलते हैं। अ लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क
is most common type of network. A LAN connects computer and devices located close to one another. ठीक है, तो ये क्या करता है, more than one systems को connect करता है. Such as one building. जैसे एक suppose हमारा एक building है, उसमें एक office, मतलब एक suppose हमारा school ही है. ठीक है, तो आपको उसमें क्या करना है, नेटवर्किंग establish करना है कि हमारा एक सिस्टम है, उसमें जितने भी उस बिल्डिंग में जितने सिस्टम हो वो आपस में कनेक्टेड हो, किसी भी फ्लोर पे हो, तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क. यूजुअली दिस टाइप ऑफ नेटवर्क डज नॉट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 कंप्यूटर. तो इसमें 100 कंप्यूटर से ज़्यादा हम नहीं कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर कनेक्टेड इन अ ऑफिस. ओके, नेक्स्ट वन इज कैंपस एरिया नेटवर्क. A campus area network is a computer network media of an interconnection of two or more local area networks within a limited area. This type of network is larger than local area network but smaller than wide area network. ठीक है, तो campus area network जो होता है वो इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ये लैंस को कनेक्ट करता है. सपोज आपके पास दो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ये सीनियर सेकेंडरी वालों के लिए है, ठीक है, और ये सपोज अप टू मिडिल के लिए, ठीक है, इन दोनों बिल्डिंग को कनेक्ट करना है, तो सो यू इन दिस केस यू हैव टू यूज कैन कैंपस एरिया नेटवर्क. मीन्स नेम सजेस्ट क्या कर रहा है, इन अ कैंपस देर इज सो मेनी बिल्डिंग्स आर देर, सो टू कनेक्ट डिफरेंट बिल्डिंग्स इन अ नेटवर्क वी कैन यूज कैन मीन्स कैंपस एरिया नेटवर्क. ओके, नेक्स्ट इज मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क. ठीक है, ये क्या करता है, a man is also means metropolitan area network is also collection of local area network. ये भी local area network का connection होता है. Metropolitan area network connects computer located in the same geographical area such as city or a town. For example, branches of local bank in a city. ठीक है, तो वो campus में जो buildings है उसको connect करने के लिए हम use करते हैं CAN को. Means campus area network. But man को हम use करते हैं, local area network को ये भी connect कर रहा है. जैसे ये है, इसमें LAN use हुआ, suppose इसमें LAN हुआ, इसमें एक LAN use हुआ. But in a same campus. But there are one another campus. There is another campus. If you want to connect, suppose this is Happy School. And this is also Happy School other branch. If you want to connect both branch, then we will use MAN. Okay? जैसे SBI bank है, ठीक है? तो in a city there are so many branch of SBI bank, ठीक है? तो data interrelate करता है, data connect करके रखता है banks में. तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप SBI के एक branch में गए वहाँ आपका balance show हो रहा है, but दूसरे branch में वो balance show नहीं कर पा रहा है. किसी भी branch से, किसी भी ATM से show करता है balance, even के किसी भी city में करता है. ठीक है, तो यहाँ पे man क्या करता है, जैसे अब suppose one city में बहुत सारे branches है SBI के, तो उसको इंटररिलेट करने के लिए, इंटरकनेक्ट के लिए वी विल यूज मैन. नेक्स्ट इज वैन. वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क. अ वाइड एरिया नेटवर्क्स कनेक्ट लैन एंड मैन टुगेदर. ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है, लैन एंड वैन को, मैन को आपस में कनेक्ट करता है. लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क और मैन मीन्स मेट्रोपोलिटन एरिया network. The networks that make up a wide area network may be located throughout a country and even around the world. For example, internet and ATM facility. ठीक है, जैसे मैं SBI का बोल रही थी, तो but मैं एक city की बात कर रही थी. But SBI जो bank है या कोई भी bank होता है, उसका जो ATM होता है different city में available होता है. और किसी भी city से आप access करो,
it will give same data. Okay, किसी भी सिटी से तो बहुत वाइड एरिया मीन्स बहुत बड़े अमाउंट में जहाँ पे आपका डेटा को यूज़ करना है, बहुत बड़े एरिया में यूज़ करना है, सो इन दैट केस वी विल यूज वाइड एरिया नेटवर्क. ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क. ठीक है, फर्स्ट वन वॉज पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, सेकेंड वन वॉज लैन लोकल एरिया नेटवर्क टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ बिल्डिंग, कैन इज कैंपस एरिया नेटवर्क टू कनेक्ट द बिल्डिंग्स इन अ कैंपस, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क टू कनेक्ट द कैंपस और ब्रांचेस इन अ सिटी, एंड वैन टू कनेक्ट लैंड एंड मैन टूगेदर. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू, बाय.